बड़ी खबर सामने आ रही है, बीजेपी कैंडिडेट ने जीत दर्ज कर ली है। दिल्ली एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी इलेक्शन में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और इस चुनाव का कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बहिष्कार किया है। मेयर ने अक्टूबर की तारीख दी थी, लेकिन एलजी ने चुनाव कराए हैं। दिल्ली नगर निगम एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी की अंतिम खाली सीट के लिए आज वोटिंग हुई। बीजेपी कैंडिडेट सुंदर सिंह को पार्टी के पार्षदों के सभी 115 वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट निर्मला कुमारी को कोई वोट नहीं मिला। दरअसल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था। 18वें सदस्य बने हैं बीजेपी के सुंदर सिंह। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी इलेक्शन में बीजेपी ने यहां पर जीत दर्ज कर ली है, और इस जीत के साथ दिल्ली नगर निगम की 18 सदस्यीय स्थायी समिति में भाजपा के 10 मेंबर्स हो गए हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के केवल 8 सदस्य हैं। जिस सीट पर चुनाव हुआ वो भाजपा नेता कमलजीत सहरावत के पश्चिमी दिल्ली से सांसद चुने जाने की बात खाली हुई थी। आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव का बहिष्कार किया है। तो कुल मिलाकर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। दिल्ली एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी इलेक्शन में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। बीजेपी कैंडिडेट ने जीत हासिल की है। तो इधर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव का बहिष्कार किया। फिलहाल जीत दर्ज करने के बाद जो बीजेपी के उम्मीदवार है सुंदर सिंह, उनका भी बयान सामने आया है। सुंदर सिंह ने जीत दर्ज करने के बाद क्या कुछ कहा, हम सीधे आपको सुंदर सिंह को सुनवाते हैं, सुनिए। स्टैंडिंग कमेटी में अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं, आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी का, जेपी नड्डा जी का और सभी हमारे शीर्ष नेतृत्व जिन्होंने आज मुझ पर ये भरोसा जताया और यहाँ पर स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर के चुनाव के लिए मेरा नॉमिनेशन कराया। नॉमिनेशन उन्होंने भी किया था, आम आदमी पार्टी ने भी, लेकिन पता नहीं क्या उनको अपने पार्षदों पर भरोसा नहीं था या क्या था, उन्होंने चुनाव से भागना उचित समझा। उनको कई बार मौका दिया गया, रात में भी चुनाव होने की बात आई, लेकिन वो कहने लगे नहीं हम कल सुबह चुनाव आएंगे। उसके बाद अभी वो चुनाव में 1 बजे का सबको टाइम था, नोटिस था सभी पार्षदों को, लेकिन उसके बाद वो चुनाव में नहीं आए। और जो पीठासीन अधिकारी है उन्होंने चुनाव कराया, बड़े फेर तरीके से कराया और एक तरफा हम चुनाव जीत कर आए। उच्च न्यायालय में जाए वो हमें कोई आपत्ति नहीं है, ये क्योंकि बड़े फेर तरीके से हुआ है, सबको नोटिस दिया गया, सबको टाइम दिया गया। जो एक चुनाव की प्रक्रिया होती है वो चुनाव की प्रक्रिया पूरी फॉलो की गई है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े फेर तरीके से चुनाव कराया गया है। उनकी एक आदत है, उनकी हैबिट बन चुकी है कि एक दूसरे पर आरोप लगाना और इस तरीके से चुनाव छोड़कर भागना बड़े शर्म की ना बात है। और पूरी दिल्ली आज ये चुनाव देख रही है और जनता चाहती है कि सभी निगम पार्षदों को वहां पर जिताकर भेजा है। और स्टैंडिंग कमेटी अगर कमेटी बनती है तो सभी पार्षदों को निश्चित तौर पर फंड मिलेगा, सभी का भला होगा, आम आदमी पार्टी के पार्षदों का भी भला होगा। मैं तो कहता हूं आज आम आदमी पार्टी में रहकर जो पार्षद है बड़ी घुटन महसूस कर रहे हैं, इसीलिए इसी बौखलाहट में वो घबराए हुए थे और नहीं आए चुनाव में। स्टैंडिंग कमेटी में अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं। तो आपने यहां पर भाजपा के कैंडिडेट को सुना, जिस तरीके से सुंदर सिंह ने यहां पर वीरेंद्र सचदेवा जो दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का यहां पर शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद ज्ञापित किया। आम आदमी पार्टी पर भी यहां पर उन्होंने जमकर हमला बोला। इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए सीधे ग्राउंड जीरो से दिल्ली से हमारे सहयोगी कमल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमल, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि दिल्ली एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी इलेक्शन की किले को बीजेपी ने फतह कर लिया है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इसका बहिष्कार किया है। बिल्कुल, अगर इस पूरे घटनाक्रम की बात करें तो इस की शुरुआत जो दिल्ली के नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव होने थे उसमें 18वें सदस्य के लिए चुनाव होना था, लेकिन इसका जो चुनाव था वो कल होना था, लेकिन कल जब सदन इसके ऊपर बैठा तो सदन के अंदर काफी हंगामा हुआ, और सदन के अंदर हंगामा होने